कर सर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता रहे थे आप, उसमें रहे थे। सॉफ्ट ओके कॉपी डिवाइसेस और हार्ड कॉपी डिवाइसेस के बारे में बता रहे थे। उसके बाद आपने वो प्रिंटर्स के बारे में बताया था, इंपैक्ट प्रिंटर करा था लास्ट। ओके ठीक है। मतलब हम प्रिंटर्स पढ़ रहे थे। किसी कोई डाउट या कोई डिस्कशन करना हो रिगार्डिंग जो अभी तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, तो वो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अदरवाइज जो हम अपना फर्दर आगे का है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। लैब के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके सर वो 3 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अभी, 2। तुम लोगों को मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर 2 लैब एक्सपेरिमेंट एज असाइनमेंट दिए हैं। फर्स्ट जो असाइनमेंट है, जो लैब एक्सपेरिमेंट है, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सपेरिमेंट को कंबाइंड पीडीएफ बना के वो सबमिट करनी है, जिसकी डेडलाइन सर वो शायद कर आज दिया। है। ठीक है, मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया है। कुछ 5-10 स्टूडेंट हैं जो रह रहे हैं, तो वो भी उसे आज टाइम से सबमिट कर देंगे। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड ऑफ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है थर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो तुम्हें इस वीक जो है थर्सडे तक सबमिट करना है। खैर, और किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो बताओ। सर मैंने 2 PDF अपलोड कर दिए, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 का अलग और एक्सपेरिमेंट 2 का अलग, तो कंबाइन करके करने। कंबाइन करके अगर कर दिए हैं तो फिर रहने दो। अगर कर दिए हैं सबमिट तो रहने दो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। तो लास्ट क्लास में हम जो थे, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हार्ड कॉपी और प्रोजेक्टर डिस्कस किया था। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, क्या उसके यूज है। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी क्या है, जो भी हमें सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर हमें विजिबल हो, वो टेक्स्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे ग्राफिक्स, या फिर ऑडियो वीडियो, वीडियो कंटेंट जो होता है, जो हम डिस्प्ले पे विजिबल होता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट के अंदर होते हैं। अगर हम उसे प्रिंटेड वे के अंदर का उसे प्रिंट करते हैं, या टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या होता है, हम हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंटर एक डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट प्रोवाइड करता है हार्ड कॉपी के अंदर। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये डिवाइस दैट टेक टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन पेपर, एक ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर टेक्स्ट और ग्राफिक इंफॉर्मेशन को लेता है और उसको कंप्यूटर के थ्रू पेपर पे प्रिंट करता है। तो वो क्या है, हमारे पास प्रिंटर है। हमारे पास प्रिंटर जो है दो तरह के हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके अंदर इम्पैक्ट के थ्रू, मतलब प्रेशर के थ्रू बोल रहे, आउटपुट फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्दर 3 तरह के प्रिंटर्स हैं। फर्स्ट वन इज ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड वन इज डेजी व्हील, थर्ड वन इज लाइन। दीज आर द 3 टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एंड अनदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज टाइप ऑफ प्रिंटर आर फर्दर कैटेगराइज इन 2 टाइप्स, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ओके, हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास के अंदर प्रिंटर से स्टार्ट करने के बाद हमने डॉट प्रिंटर को स्टार्ट किया था शायद, इम्पैक्ट प्रिंटर। ए प्रिंटर कैरेक्टर्स आर स्ट्राइकिंग ए इंक रिबन अगेंस्ट द
पेपर। इसमें क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं इंक रिबन के थ्रू पेपर के ऊपर। तुम लोगों ने देखा होगा कार्बन पेपर आता है, कार्बन पेपर के लिए क्या करते हैं, एक वाइट ब्लैंक पेपर लिया, उसके ऊपर कार्बन पेपर लिया और उसके ऊपर तुम लोगों ने देखा होगा जो बिल सबमिट हो, पहले बिल अगर किसी शॉप पे जाओ तो बिल काट के देते थे वो, तो बिल कैसे करते थे वो, एक वाइट पेपर होता था उसके ऊपर उन्होंने कार्बन कॉपी, उसके ऊपर बिल, बिल के ऊपर क्या है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, किस डेट पे लिया, कस्टमर का नेम क्या है, क्या प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर क्या है, वारंटी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट पेड कितना है और रिमेनिंग अगर बैलेंस है कुछ तो वो मेंशन करते थे। ठीक है, तो कार्बन क्या करता था, जो भी पेन के थ्रू उस फर्स्ट पेपर पर लिखा जाता था उसको क्या करता था, एज ए इम्पैक्ट जो था, जो कार्बन पेपर के नीचे जो वाइट पेपर होता है उसके ऊपर एज इट इज क्या कर देता था, प्रिंट कर देता था, उससे वो क्या था इम्पैक्ट। ऐसे ही जब हम इंक रिबन जो है उसे स्ट्राइक करते हैं किसी कैरेक्टर को उसके थ्रू पेपर के ऊपर, तो हमें वो कैरेक्टर जो है विजिबल होता है, उसको बोलते हैं हमारा क्या है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन किसकी है, इम्पैक्ट प्रिंटर की। एडवांटेज क्या है, इनेबल यूजर टू प्रोड्यूस कार्बन कॉपीज, क्या करता है हमें कार्बन कॉपीज हमें प्रोड्यूस करता है किसी भी एक, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक पेपर है जिसके ऊपर तुम्हें फोटोकॉपी करनी है, जस्ट तुम क्या करोगे इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करके उसको प्रिंट कर देते हो। जो फोटोकॉपीज जो होती हैं वो सब हमारे किसके एग्जांपल है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। इनके जो कॉस्ट होती है वह बहुत कम होती है, तुम लोगों ने देखा फोटोकॉपी वाले शॉप वाले जो होते हैं वो चार्ज करते हैं 1 रुपीज और 2 रुपीज जो इसकी कॉस्ट आती है फोटोकॉपी के थ्रू। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है, पुअर प्रिंट क्वालिटी स्पेशली इन केस ऑफ ग्राफिक्स। डिसएडवांटेज क्या है, अब तुम देखा होगा प्रिंटिंग के लिए अगर तुम जाते हो तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो जाती है। तुमने कोई हाई क्वालिटी इमेज जो है कलर्ड के अंदर तुमने उसको अगर उसको प्रिंट के लिए दी है, अगर वो तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट है प्रिंटर या तुम्हारी फोटोकॉपी मशीन, तो क्या होगा और ज़्यादा उसको डिग्रेड कर देगा क्वालिटी को, क्योंकि कलर के अंदर क्या है डिफरेंट जो पिक्चर की क्वालिटी है वो और अच्छे से उसको विजिबल होती है, जबकि प्रिंटर जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं तो क्या करता है ग्रे और ब्लैक स्केल के अंदर उसको सबको क्या करता है पिक्चराइज करता है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है और डिग्रेड हो जाती है। कैन बी एक्सट्रीमली नॉइजी, ये जो होता है एक्सट्रीमली नॉइजी होती है, प्रिंटिंग मशीन जो होती है काफ़ी नॉइज क्रिएट करती है। कैन प्रिंट ओनली यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, अगर हम प्रिंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है टाइपराइटर है, टाइपराइटर के अंदर क्या है पर्टिकुलर फॉन्ट है, जिस फॉन्ट के अंदर जो उसके की कैरेक्टर वर्ड्स हैं वो इंसर्टेड है उसी फॉन्ट के अंदर वो क्या करेगा उसे प्रिंट कर सकता है। तो इसके अंदर क्या है एक इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंट कैरेक्टर एज ए पैटर्न ऑफ डॉट्स। इसके अंदर क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तो डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं प्रिंट होता है, डॉट्स की फॉर्मेट के अंदर ए लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें ए लिखना है तो तुम्हें क्या डॉटेड वे के अंदर ए को वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, हैविंग प्रिंटर हेड और हैमर दैट कंसिस्ट ऑफ पिंस रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर और इमेज। इसके अंदर क्या होता है प्रिंटिंग हेड के ऊपर क्या है पिंस होती हैं, उन पिंस के इम्पैक्ट से क्या होता है हमें एक वर्ड जनरेट होके मिलता है। ठीक है, द प्रिंट हेड प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग ए इंक सोक क्लॉथ रिबन अगेंस्ट द पेपर। इस टाइम क्या होता है जो प्रिंट हेडेड है वो एक इंक सोक जो क्लॉथ होता है उसको क्या करता है पेपर पर स्ट्राइक करता है और हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है किसके ऊपर पेपर के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, तुम अगर इसको कहीं पे मेंशन करते हो तो तुम्हें अपने एंड पे, मैं जस्ट तुम्हें जो बता रहा हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें इन डिटेल में और पढ़ना है तो तुम उसको सिंपल गूगल कर सकते हो या फिर जो भी तुमने बुक रेफर्ड बुक है उसके थ्रू तुम इसको रेफर कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर, द प्रिंटर हैज सर्कुलर व्हील। इसके अंदर क्या होता है प्रिंटर हेड के ऊपर क्या होता है सर्कुलर व्हील होता है जो कि प्रिंटिंग के लिए मूव करता है। टू प्रिंट अ कैरेक्टर व्हील इज रोटेट इन सच ए वे दैट द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड इन पोजीशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द
प्रिंटर रिबन, जो प्रिंटर का रिबन होता है अपने जो प्रिंटर के रिबन की जस्ट उस पोजीशन के ऊपर वो मूव करता है जहाँ पे प्रिंटर का रिबन होता है और वो करेक्टर करता है, प्रिंट करता है। ये जो होता है बेसिक डेजी व्हील प्रिंटर की क्या होती है, फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट इज द लाइन प्रिंटर। इसमें एक और प्रिंटर है, प्रिंटर मेंशन है बैंड प्रिंटर। प्रिंटिंग मैकेनिज्म यूज ए मेटल लूप और बैंड टू प्रोड्यूस टाइप्ड कैरेक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि मेटल्स के लूप्स होते हैं या फिर बैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पर्टिकुलर पता है कि हमें पर्टिकुलर एक ही टाइप के स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर हैं, उनको प्रिंट करना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं बैंड जनरेट कर लेते हैं लूप पर्टिकुलर और उसको क्या करते हैं प्रिंट करते हैं जस्ट इम्पैक्ट से। द सेट ऑफ कैरेक्टर इज परमानेंटली एम्बोज्ड ऑन द बैंड। इसके अंदर क्या है फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रियल वर्ड जैसे तुम लोगों ने देखा हो स्टैम्प होती है, किसी कॉलेज की स्टैम्प है तो उसमें क्या होगा डायरेक्टर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा HMR ITM और कॉलेज का एड्रेस हमीरपुर दिल्ली। तो ये क्या है, एक हमारे पास प्री नोन नॉलेज है जिसको हम क्या कर सकते हैं प्रिंट करना है हमें। तो उसके लिए क्या किया है इन्होंने बैंड बना लिया है उसका और उसको क्या कर रहे हैं जस्ट इम्पैक्टफुली कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है उस केस के अंदर वर्क करता है जहाँ पर हमें पहले से ही पता हो कि हमें क्या प्रिंट करना है। और अगर इनका यूजेस वहाँ पे होता है जहाँ पे इनका मल्टीपल टाइम हमें प्रिंट करना हो। अब अगर मान लो तुम्हें कुछ प्रिंट करना है, तुम स्टैम्प की फॉर्मेट में हर चीज़ को प्रिंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर्स कुछ जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए, डीन्स हो गए, इनके सिग्नेचर क्या होते हैं बहुत रिपीटिवली चाहिए होते हैं। एक कॉलेज के अंदर एक बैच के अंदर अगर 12,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं तो हर उनकी मार्कशीट के ऊपर, हर शीट के ऊपर क्या होंगे डीन के साइन होंगे और रजिस्ट्रार के भी साइन होंगे और जो एकेडमिक अथॉरिटी है उसके भी साइन होंगे। तो अब क्या होगा उन तीनों को क्या करने का, मान लो 12,000 बच्चे हैं तो उसके ऊपर 36,000 साइन होने हैं, तो उसके लिए क्या करोगे मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वेस्टेज ऑफ टाइम है। उस केस में हम बैंड प्रिंटर का यूज़ करते हैं, हम उनके सिग्नेचर की एक प्रिंट निकालते हैं, उसको क्या करते हैं इम्पैक्ट उसके ऊपर बैंड को जो करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको कहते हैं एज ए प्रिंट, उसको जस्ट प्रिंट कर देते हैं। अब क्या होता है मार्कशीट्स के ऊपर उनके साइन को क्या कर देते हैं डिजिटली कन्वर्ट करके और उसको क्या कर देते हैं मार्कशीट के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। अगर तुम किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाओ या फिर कहीं पे पार्टिसिपेट करो किसी इवेंट के अंदर तो तुम्हें क्या करते हैं मैनुअली मिलते हैं ब्लैंक, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है और जो भी उसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो पेन से उसके अंदर साइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है डिपेंड करता है कि तुम किस कैटेगरी के अंदर प्रिंट करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास यूजेस क्या है उसके और उसके क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर हम प्रिंटर्स को चूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द लाइन प्रिंटर, हाई स्पीड प्रिंटर इन विच वन टाइप लाइन इज प्रिंट एट ए टाइम। अभी लाइन प्रिंटर के अंदर क्या होता है, ये एक हाई स्पीड प्रिंटर है, ये क्या करता है अगर एक लाइन लिखी हुई है उस कम्प्लीट लाइन को एट वंस क्या करता है प्रिंट कर देता है। Used in data centers and industrial environment, जहाँ पे जो data centers होती हैं जहाँ पे information जो होती है बहुत ज़्यादा होती है या फिर बहुत सारा data manage करना होता है printed form के अंदर maintain करना होता है वहाँ पे line printers का use होता है, ठीक। Next is the non-impact printers, much quieter as their printing head do not strike the paper. ये क्या होते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो नॉइजी होते हैं, तो उसी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको क्या कर रहा है इन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश की है। ये क्या होता है क्वाइटर होते हैं, रीज़न क्योंकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसके अंदर क्या होता है हेड जो है वो पेपर पर स्ट्राइक करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट के फॉर्म के प्रिंटर के फॉर्म में क्या होता है कि जो प्रिंटर का हेड है वो पेपर पर स्ट्राइक नहीं करता, जिसकी वजह से कोई भी नॉइज नहीं होती है। ऑफर बेटर print quality, fast printing and the ability to create prints that contain sophisticated graphics. अब ये क्या है जो non impact printer है ये as compared to impact printer better quality provide करते हैं, ये fast printing provide करते हैं और इसके साथ ही में जो होते हैं sophisticated जो graphics होते हैं या फिर बहुत complex इनके अंदर चीज़ें हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से print कर पाते हैं, ठीक है। Use either solid or liquid
कार्ट्रिज बेस्ड इंक, तुमने देखा होगा कहीं प्रिंटर्स के साइड के अंदर इंक जेट होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होता है, कलर्स फिल्ड होते हैं। अगर किसी घर पे होगा तो उनको पता होगा, इंक जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर विजिबल होती है, कहीं के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, उसके अंदर फिल्ड कार्ट्रिज होती है, फिल की जाती है या फिर फिल्ड आती है। तो इसके अंदर दो तरह की होती है, सॉलिड होती है, एक लिक्विड कार्ट्रिज बेस्ड इंक होती है, विच इज आइदर स्प्रेड डिप्ड और इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोस्टैटिकली ड्रॉन ऑन द पेज। इसको जाते हैं या तो डिप किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसके पेज के ऊपर इम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हेड जो है वो डायरेक्ट पेज के ऊपर स्ट्राइक नहीं करता, जैसे कि हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर होता है। एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस प्रिंट ऑफ गुड क्वालिटी। तुमने देखा होगा एट प्रेजेंट जो प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, तो क्या करेगा, एक बहुत ही डिसेंट क्वालिटी के अंदर इमेज जो है उसे प्रिंट करता है। वहीं पे अगर तुम हाई क्वालिटी प्रिंटर ले लेते हो, जहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाँ जैसे फोटोज़ हैं, फोटोज़ प्रिंटेड फॉर्म में ली जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होते हैं जो कि तुम्हारी एसटीडी के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो या फिर जो भी साइज़ की फोटोज़ होती हैं उनको प्रिंट करते हैं। तो वो क्या है, एक गुड क्वालिटी पिक्चर जो है वो प्रिंट करे, वो जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हेल्प से प्रिंट किए जाते हैं। ये क्या होता है, एडवांटेज क्या है, नॉइसलेस है, फास्ट है, इनके अंदर कोई भी नॉइज नहीं आती है, शोर जनरेट नहीं होता है। ठीक है, और ये फास्ट होते हैं एज कम्पेयर, तुमने देखा होगा पहले अगर फोटो क्लिक करानी थी तो तुम्हें आज फोटो क्लिक कराओ, उसके नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे तुम्हें क्या होता है, डिलीवर होता था। अब क्या है, फास्ट प्रिंटर अवेलेबल है, उनके पास छोटा सा प्रिंटर होता है, तुम्हें हैंड टू हैंड प्रिंट चाहिए तो वो तुम्हें रहता है हैंड टू हैंड, उसके अपने छोटे से प्रिंटर के अंदर आपको जितनी फोटोज चाहिए उसको प्रिंट करा के तुम्हें दे देता है। तो ये क्या है, आप नॉइसलेस और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। कैन प्रिंट टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, किसी इसके अंदर हमारे पास कोई हेड तो है नहीं जो पेपर के स्ट्राइक करेगा, अब वो स्ट्राइक करने वाला जो हेड है वो जिस फॉन्ट के साथ होगा वही जो है पेपर के ऊपर प्रिंट होगा। तो नॉन इम्पैक्ट के अंदर तो क्या था, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर तो हमारे पास लिमिटेशन थी कि जिस फॉन्ट्स के अंदर हेड्स जो मेंशन है या प्री क्रिएटेड है उसी फॉन्ट्स के अंदर क्या होगा, प्रिंटिंग होगी। बट नॉन इम्पैक्ट के केस के अंदर क्या है, हमारे पास कोई भी स्ट्राइकिंग फिगर नहीं है, तो हमें क्या करना है, जिस फॉन्ट के अंदर भी टेक्स्ट अवेलेबल होगा वो उसी फॉन्ट के अंदर क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको ड्रॉ कर देगा। तो ये क्या है, इसकी एडवांटेजेस हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव एज कार्ट्रिज यूज बाय देम आर कॉस्टली। जो हमारे प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर जो ओवरऑल कॉस्ट होती है प्रिंटर की, अगर तुम किसी अच्छे ब्रांड का लोगे तो आज के प्रेजेंट में 8 to 15,000 के बीच में तुम्हें एक प्रिंटर मिल जाता है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। एक्सपेंसिव प्रिंटर के नहीं होते हैं, बट अगर तुम ओवरऑल इनको यूज़ करते हो तो इनकी जो कार्ट्रिज है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक जेट प्रिंटर की। प्रिंट हेड हैज सेवरल टाइनी नोजल्स ऑल्सो कॉल्ड जेट्स। इंक जेट के अंदर क्या होता है, टाइनी नोजल्स होती हैं जिनको जेट्स बोलते हैं। एज अ पेपर मूव पास द प्रिंट हेड, जैसे कि पेपर उसके अंदर मूव करता है, द नोजल स्प्रे इन इंक ऑन टू इट फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड इमेजेस। इसके अंदर क्या होता है, चलो इसको अभी हम एग्जांपल लेते हैं इसका। कार्ट्रिज हैव टू बी चार्ज चेंज फ्रिक्वेंटली। इंक जेट के अंदर क्या होता है, हमारे पास हेड्स होते हैं जो कि उसके अंदर नोजल्स होते हैं जिनको हम जेट्स बोलते हैं। जब पेपर उन हेड्स के थ्रू मूव करता है तो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, इंक स्प्रे करते हैं, और उस फॉर्मेट में हमें कैरेक्टर और इमेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये क्या है, इंक जेट प्रिंटर। इसके नाम से ही तुम लोग इसको रिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, तुम जो भी अभी प्रिंटर यूज करते हो, लेजर प्रिंटर तो अलग फॉर्मेट में हो गई, इंक जेट के अंदर जहाँ पर भी अगर तुम किसी भी पुराने ऑफिस में जाओगे, ज़्यादा पुराने भी नहीं, 2-3 साल पुराने ऑफिस के अंदर जहाँ पे प्रिंटर 2-3 साल पुराने हो,
वहाँ पे इंकजेट जो प्रिंटर थे वो मोस्टली 4 to 5 ईयर पहले यूज होते थे, अभी जो है वो लेजर प्रिंटर्स का ही यूज होता है, जहाँ पर भी मोस्टली यूज होता है। ठीक है, ये थे हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास हैं लेजर प्रिंटर्स। वर्क एट हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये क्या है, हाई स्पीड पे वर्क करते हैं और हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं। इट इज बेटर एज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। ए लेजर बीम ड्रॉन द डॉक्यूमेंट ऑन अ ड्रम विच इज कोटेड विद ए फोटो कंडक्टिव मटीरियल। इसके अंदर क्या होता है, एक लेजर बीम जो होती है वो डॉक्यूमेंट पे ड्रॉ करती है बाय ड्रम्स, जिसके ऊपर क्या होता है फोटो कंडक्टिव मटीरियल कोटेड होता है। आफ्टर द ड्रम इज चार्ज इट इज रोल्ड इन ए टोनर ए ड्राई पाउडर टाइप ऑन इंक। इसके अंदर क्या होता है, ड्रम चार्ज होने के बाद पेपर के ऊपर जो होता है रोल होता है और उसको क्या करता है इम्पैक्ट, उसको क्या मिलता है हमें प्रिंट देखने को मिलता है। द टोनर स्टिक्स टू चार्ज इमेज ऑन द ड्रम एंड ट्रांसफर ऑन द पीस ऑफ पेपर। इसके अंदर कहते हैं दो है, टोनर जो है इमेज को ड्रम के ऊपर चार्ज करता है और उसको क्या करता है फिर ट्रांसफर करता है ए पीस ऑफ पेपर। तो ये क्या है, सिंपल लेजर प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लॉटर। Used to print vector graphics with high print quality. Plotters का use जो होता है वो vector graphics को high quality के अंदर print कराने के लिए use किया जाता है। Widely used to draw maps, scientific application and in CAD, CAM and CAE. CAD क्या होता है, AutoCAD होते हैं, जो भी तुम्हारे architectures होते हैं, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स के मॉडल्स होते हैं वो कैड जो है टूल है जिसके अंदर क्या करते हैं उसको जनरेट करते हैं कैड। ऐसी कैम है हमारे पास सीएई है जो क्या होते हैं मैप्स को ड्रॉ करने के लिए या आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के लिए हाउस के बिल्डिंग्स के हॉस्पिटल्स के ये हमारे टूल्स यूज होते हैं और प्लॉटर्स की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तुम लोग अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन पर गए हो तो किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो मेट्रो स्टेशन पे ना साइड पे तुम्हें मतलब नॉर्मल स्टेशन के ऊपर तुम्हें साइड पे एक बोर्ड नजर आएगा वाइट कलर का, बोर्ड नहीं होगा फ्रेम होता है ना, फ्रेम के अंदर एक फोटो इमेज होती है जिसके ऊपर जो होता है ना पूरे मेट्रो स्टेशन का मैप होता है कि कहाँ पे स्टेयर है, कहाँ पे तुम्हारे पास एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट है, लिफ्ट कहाँ पे लगी हुई है, कहाँ से मतलब अगर किसी को एमरजेंसी एग्जिट चाहिए तो वो सारा जो इमेज होती है, जो सारा जो मैप होता है पूरे मेट्रो स्टेशन का वो क्या होता है वहाँ पे प्रिंटेड होता है। तो वो जो प्रिंटिंग होती है वो हाई क्वालिटी जो होती है वेक्टर इमेजेस होती हैं जिनको यूज प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का यूज किया जाता है। तुम लोग नॉर्मल जो है वो देख सकते हो किसी भी मेट्रो स्टेशन पर अगर तुम जाओ तो कभी ध्यान दे सकते हो उसके ऊपर। प्लॉटर्स भी फर्दर हमारे पास दो तरह के होते हैं, फर्स्ट जो होते हैं हमारे पास ड्रम प्लॉटर होते हैं, सेकंड जो होते हैं हमारे फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं। ड्रम प्लॉटर कौन से होते हैं, यूज टू ड्रॉ ग्राफिक ऑन पेपर दैट इज रैप अराउंड ए ड्रम। इसके अंदर क्या होता है, एक ड्रम होता है उसके अराउंड क्या करते हैं हम ग्राफिक्स को एनरोल करते हैं और पेपर को उसके ऊपर जैसे मूव करते हैं तो उससे क्या करता है प्रिंट करते हैं। यूजली यूज विथ मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं इनका जो यूज होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है। फिर आता है हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर। पेपर इज स्प्रेड ऑन ए फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ द प्लॉटर एंड द पैन इज मूव्ड ओवर इट। इसके अंदर फ्लैट बेड के अंदर क्या होता है, जैसे ड्रम के अंदर क्या होता था, जो ड्रम के अराउंड पेपर को क्या करते काफी पेपर भी आते थे अराउंड ड्रैप कर देते थे और वहाँ पे इंपैक्ट के थ्रू या फिर इमेज जो होती थी पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। ऐसे ही फ्लैट पैड प्लॉटर के अंदर क्या होता है,
रेक्टेंगुलर सरफेस जो कि प्लॉटर के अंदर है उसके अंदर पेपर प्लेस किया जाता है, और फिर पेन की मूवमेंट के थ्रू वहाँ पे क्या होता है हमें इमेज या फिर हमारे टेक्स्ट जो है वो हम प्रिंट फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड इन मैनी स्मॉल कंप्यूटिंग सिस्टम। ये जो होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं और जो स्मॉल कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। ये जो था हमारे थे बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इस टॉपिक के साथ ही तुम्हारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो वो हैंड रेस कर सकता है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं, इसे ओवर करते हैं। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस थे। नेक्स्ट जो है तुम लोगों के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ मेमोरी डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर। बेसिक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी हद तक, बट एज ए टर्म्स जो है हम इसको एक बार देखना ज़रूरी है क्या होता है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर। आज की जो पीपीटी तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, ये तुम लोगों को आज आफ्टर द लेक्चर तुम लोगों को गूगल क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल होगी, तुम इसको रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर्स। कोई बताएगा व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर क्या होता है? आप सब सो रहे हैं क्या? रैम, रोम और जो प्रोसेसर पे कैश मेमोरी और फ्लैश। वन बाय वन हैंड रेज करके फिर बोलो। सर रैम, रोम एंड एक्सटर्नल हार्ड एंड द हार्ड डिस्क आर कंप्यूटर मेमोरी। यस गुड। व्हाट इज द प्रोसेसर? सर आई थिंक रैम इज द प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोसेसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेसर्स। ओके धृति, अभी हम डिस्कस करेंगे पता लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं कबीर, व्हाट इज मेमोरी व्हाट इज प्रोसेसर? सर मेमोरी वो होती है मतलब स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे डाटा जो होता है वो प्रोसेस होता है और इंस्ट्रक्शंस जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेसिंग के लिए वो स्टोर होते हैं। गुड, एंड व्हाट इज प्रोसेसर? जो प्रोसेसर होते हैं वो क्या कहते हैं हमारे जो भी हम एरिथमेटिक और लॉजिकल वो क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट देते हैं और बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को। यस नितिन, जो भी प्रोसेसर परफॉर्म करता है मैथमेटिकल या लॉजिक ऑपरेशंस। ओके नितिन। सर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की होती है, टेम्पररी एक परमानेंट। टेम्पररी मेमोरी जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो इरेज हो जाती है, परमानेंट इरेज नहीं होती है, वो उसी में रहती है। मतलब जैसे रैम और रोम भी कहते हैं या फिर वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं। बाकी प्रोसेसर सर जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उन्हें प्रोसेस करता है, इसे ब्रेन या फिर नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं कंप्यूटर का।
ये बहुत सारे और कंपोनेंट्स को जोड़ता है, मतलब जुड़े हुए होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क या जो भी और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, वो प्रोसेसर से जुड़े हुए होते हैं। ओके गुड। सर प्रोसेसर सीपीयू ही हो गया एक तरह से। हाँ, हम उसको मेन टर्म सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो हमारी ओवरऑल अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट को आइडिया नहीं है उनके लिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऋषि ने अभी दो तीन चीज़ें बोली थी, उन चीज़ों को मैं बता देना चाह रहा हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी जैसे अभी नितिन ने बताया कि दो तरह की होती है, एक परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है, एक हमारी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होती है। टेम्परेरी स्टोरेज किस लिए क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज जो होती है वो हमें रैम प्रोवाइड करती है जो कि वॉलेटाइल होती है इन नेचर, ये हमें फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। जो हमारी परमानेंट स्टोरेज है वो हमारी हार्ड डिस्क होती है या फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं जैसे, वो हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक जैसे कि अभी इसने बताया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर ब्रेन है कंप्यूटर का, जो क्या करता है जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर है जो कि हमारा सीपीयू के ऊपर, जो हमारा मदरबोर्ड है उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। ये हमने अपनी लैब के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको कि प्रोसेसर क्या होता है, कैसा दिखता है और कहाँ पर उसे हम उसे प्लेस करते हैं। प्रोसेसर जो होता है, जैसे अभी एक और टर्म कि सीपीयू प्रोसेसर ही होता है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसर एक हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कॉम्बिनेशन होता है सीयू का और एएलयू का, कंट्रोल यूनिट का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। इनका जो बेसिक नेचर क्या है? कोऑर्डिनेट करना इन बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ये हमारी बेसिक। हाँ, एक बात और धीरे ने बोली थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टर्म यूज किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस की तरह वर्क करता है हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर क्या है? तुम्हारा मशीन, डब्बा, कंप्यूटर जो है, जो तुम्हारी कैबिनेट है, जो कंप्यूटर है उस हार्डवेयर के बीच में और जो सिस्टम का जो यूजर है, जो हम लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में एज ए इंटरफेस कम्युनिकेटर का वर्क करता है। हम जो भी कंप्यूटर को डील करते हैं वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डील करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, प्रिंट कमांड दी। अब मैंने कंट्रोल पी किया, कंट्रोल पी करके एंटर कर दिया। तो कंट्रोल पी क्या है? एक कमांड है जो कि मेरे इस एनवायरनमेंट में वर्क करती है। कंट्रोल पी का मतलब क्या है? प्रिंट की एक कमांड है, उस पर एंटर किया तो उसने क्या कमांड दी, मेरा एक हार्डवेयर है, क्या है, प्रिंटर है, उसके थ्रू मेरे को जो भी प्रिंट के लिए मैंने प्रिंट दिया उसे उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर? ये मेरी बेसिक सी चीज है। ये सेशन अभी क्लोज होगा 2 मिनट बाद, तो इसी लेक्चर पे रीजॉइन, इसी लिंक के ऊपर रीजॉइन कर लेना। मैं तुम लोगों के साथ जो है आज की लिंक जो है वो शेयर कर दे रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। 45 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हैं। चैट में तुम लोगों को सबको लिंक मिल गया होगा। यस सर। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो।
एक्सक्यूज मी सर, सर अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है, बाकी स्टूडेंट की हो रही है ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट। अपना सीरियल नंबर बताओ। और कोई स्टूडेंट है इसके अटेंडेंस मार्क नहीं हुए? सर मेरी भी नहीं हो रही है। अच्छी मार्क कर दिए तुम्हारी अटेंडेंस। ओके थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट? क्योंकि अभी दो स्टूडेंट के अटेंडेंस मार्क नहीं हुए। सर एक बार चेक करना, कार्तिक गुप्ता एक ही लग गई है। कार्तिक अपना सीरियल नंबर बताओ। 3। कार्तिक गुप्ता 15। हाँ आपकी कमाई लग गई। ओके सर। है मैं जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उनकी नाम बोल रहा हूँ, अगर उनमें कोई प्रेजेंट हो तो मुझे बता देना। रजत, प्रियांश भारद्वाज, पंकज जोशी, शोएब अहमद, अभिनव, मान्या वर्मा, जय कुमार झा, चंचल, मुदित, प्रियांशु टंडन, आदित्य रावत, आर्यन सिंह, हर्ष गुप्ता, कार्तिक बी, योगेश गुप्ता, सिद्धांत, कुलभूषण, योगेश, कार्तिक गुप्ता लास्ट है बी, बाकी योगेश, सिद्धांत, कुलभूषण, राजीव, मनीष, सोविया ये सब प्रेजेंट है। एक स्टूडेंट कौन रह गया मुझे बताओ। चलो ठीक है, इन्होंने मार्क कर ली। पाँच मिनट है हमारे पास, हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, कल उसी को कंटिन्यू करने में आसानी होगी। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज ए इंटरनल स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम एज अ टेम्पररी और परमानेंट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर क्या है? हमारी इंटरनल स्टोरेज है, एक कंप्यूटर की मेमोरी जो है इंटरनल स्टोरेज है कंप्यूटर की,
इसको हम डेटा स्टोर करने के लिए या फिर प्रोग्राम स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये या तो टेम्परेरी हो सकते हैं या फिर परमानेंट हो सकते हैं। हमें पता है टेम्परेरी क्या होती है, जो हमारी रैम होती है वो हमारी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि हमारी हार्ड डिस्क है उसको हम परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी हायरार्की। इनकी स्पीड के बेसिस के ऊपर जो है ये यहाँ पे हायरार्की गिवन है। सबसे जो फास्ट होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर वो होती है सीपीयू रजिस्टर्स, जिनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है। ये जो होती है हमारी सिस्टम मेमोरी भी होती है। ठीक है, इनकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होने के फॉर्मेट में, इनकी जो प्रोसेसिंग है सबसे ज़्यादा जो है सीपीयू की है, उसके बाद सबसे जो स्लो है वो मैग्नेटिक टेप है। ऐसे ही जो सबसे कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो सीपीयू की सबसे ज़्यादा है, वो भी डिग्रेडिंग सिस्टम के अंदर है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सीपीयू है, सीपीयू रजिस्टर है, फिर उसके बाद कैशे मेमोरी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, फिर प्राइमरी मेमोरी है हमारी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमारी रैम जो होती हैं वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी रैम के बाद आती है हमारे हार्ड डिस्क, तो उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के बाद आती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। ये जो सीक्वेंस होता है इसे याद करने की ज़रूरत है, आगे तुम्हें कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर तुम्हारे से पूछा जा सकता है कि किसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या फिर जो मेमोरी स्पीड है वो क्या है, फास्ट है या फिर स्लो है। ठीक है, सिस्टम मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मेंशन है राइट साइड पे। सिस्टम मेमोरीज आर मोर एक्सपेंसिव, इनके अंदर क्या होते हैं, सिस्टम मेमोरी जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इनका जो एक्सेस टाइम होता है वो लेस होता है। मतलब अगर तुम्हें कुछ इन सिस्टम मेमोरी से कुछ फैच करना है तो विद इन माइक्रो सेकेंड तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। स्मॉलर इन साइज, इनका जो साइज होता है वो कम होता है। अब जैसे कि हार्ड डिस्क है 1 टेराबाइट है, मेमोरी जो है जीबीस के अंदर चली गई 16 जीबी, कैशे मेमोरी जो होती है वो एमबीस के अंदर चली जाती है, रजिस्टर जो होते हैं वो केबीस के अंदर चले जाते हैं। तो जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। इनकी जो स्मॉल इन साइज लेस कैपेसिटी, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है। स्टोर डेटा टिल द पावर इज ऑन, जो सिस्टम मेमोरीज होती हैं, सिस्टम मेमोरी तुम कहाँ तक ले सकते हो, ये जो प्राइमरी मेमोरी जो कि लाइट कलर में शो हो रहे हैं वो सब हमारे सिस्टम मेमोरी के अंदर आते हैं, प्राइमरी मेमोरी से जो ऊपर है। इनके जो ये सब जो है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, रजिस्टर, कैशे और प्राइमरी मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होती है। जैसे ही हमारे सिस्टम की पावर ऑफ होंगी वैसे ही जो इनकी क्या होगी, जो मेमोरी है वो इरेज हो जाएगी क्योंकि वॉलेटाइल है इन नेचर। नेक्स्ट जो है हमारे पास हार्ड डिस्क से लेके मैग्नेटिक टेप तक, ये सब क्या है, हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए हम ये यूज करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक भी नीचे मेंशन है, दीज आर द लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सिस्टम मेमोरी। जो हार्ड डिस्क है वो हमारे पास हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, मोर एक्सेस टाइम, अगर तुम्हें कुछ इसमें से एक्सेस करना है तो उसके अंदर क्या है, जो एक्सेसिंग टाइम है वो ज़्यादा है। हार्ड डिस्क में से अगर तुम्हें कुछ सर्च करना है, फैच करके कॉपी पेस्ट करना है तो उसमें टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रैम। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, जो तुम्हारी डीवीडी सीडीज होती हैं वो सब तुम्हारे पास क्या है, ऑप्टिकल, वो सब तुम्हारे पास क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है जिसका तुम यूज़ करते हो। दीज आर बिगर इन साइज, इनका साइज जो होता है हार्ड डिस्क, इससे भी हम डिस्कस कर रहे थे, टेराबाइट्स के अंदर होता है। रैम जो है अगर हमारे पास नॉर्मल सिस्टम है तो 4 GB या 8 GB रैम मिलती है, वहीं पे ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या होती है, हमारी डीवीडी जो है वो 14 to 15 GB तक जो उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर। इनके अंदर क्या होती है, मोर कैपेसिटी होती है डेटा स्टोरेज की, स्टोर डेटा इवन वेन द पावर इज नॉट ऑन। इनके अंदर क्या होता है, डेटा जो होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम के अंदर पावर सोर्स अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, ऑफलाइन डेटा प्रोवाइड करते हैं हमारे को। इनके साथ ही जो है, साथ में कलर के अंदर मेंशन किया हुआ है सिस्टम मेमोरी कौन सी है, जो लाइट कलर से शो हो रही है, वाइट कलर से शो हो रही है, लाइट ग्रे जो है वो ऑनलाइन मेमोरी है, फिर हमारे पास नियर लाइन है और फिर ऑफलाइन मेमोरी है जो कि डार्क ग्रे कलर से
मेंशन। किसी को इन मेमोरी में से किसी में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके कल जो है हम इन्हीं मेमोरी को और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन, रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे पास और कैशे मेमोरी क्या होती है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पर ओवर होती है हमारी, सो यू कैन लीव। थैंक यू।